स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सीएम सिद्धरामैया का बीजापुर शहर का दौरा। बीजापुर शहर मत क्षेत्र की अभिवृद्धि को लेकर 400 करोड़ से ज्यादा के फंड के कामों की बुनियाद रखने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिसंबर 4 सोमवार को बीजापुर शहर पहुंचेंगे, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रोशन बेग, जल संसाधन मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल शामिल होने की जानकारी देते हुए कर्नाटक सरकार पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और बीजापुर सिटी एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान ने बताया कि अंबेडकर मैदान में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, जिसके साथ साथ 24/7 पीने का पानी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नगर पालिका की बिल्डिंग की बुनियाद और अन्य कई अभिवृद्धि के कामों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर शहर के जनता से अपील की है कि शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़ी संख्या में पहुंचकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने की गुजारिश की। हमारे और आपके हरदिल अजीज रियासत कर्नाटक के मुख्यमंत्री जनाब सिद्धरामैया साहब दिसंबर 4 तारीख को बीजापुर आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री साहब के हाथों 400 करोड़ से ज़्यादा डेवलपमेंट का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें बहुत दिनों से बीजापुर जनता की ये डिमांड रही है कि 24/7 यानी 24 घंटे पीने का पानी का सप्लाई का काम, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कॉरपोरेशन की खूबसूरत बिल्डिंग की भी बुनियाद रखी जाएगी। इसके अलावा बहुत से डेवलपमेंट का उद्घाटन और लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर बीजापुर जनता से मैं अपील करता हूं कि इस तारीख की प्रोग्राम में आप बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाकर इस शहर की तरक्की और खुशहाली में अपना साथ दें। फिर एक बार मैं आप लोगों से अपील करता हूं के आने वाले 4 तारीख को यानी दिसंबर 4 तारीख को डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे आप पहुँचे, जिसमें रियासत कर्नाटक के मुख्यमंत्री जनाब सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर जनाब रोशन बेग साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला उस्तवारी मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल साहब और ज़िले के तमाम MLS आ रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।